सो हे गाइस, दिस इज आलम हियर और आज हम देखने वाले हैं स्वैलोड स्टार पार्ट 93 को। सो विद अ क्विक रिकैप लेट्स वॉच। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था सुजिन एस करने की कोशिश करती है पर इटरनल लव उसे बचा लेती है। साथ ही लुओ फेंग मैसेज करके सुजिन और अपने फैमिली को बता दिया था कि वो अभी जिंदा है और वो 6 से 7 महीनों में घर वापस आ जाएगा। ये सुनकर उसकी पूरी फैमिली बहुत ही खुश होते हैं। आगे सागो नेहरू और एटकिन लुओ फेंग के घर से ट्रेजर चोरी करते हैं और बेचारा हुआ तो उनको कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि फिलहाल वो दोनों सबसे फुल वॉरियर है। दूसरी तरफ बबाता ये सारी न्यूज लुओ फेंग को बताती है। ये सुनकर लुओ फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एल्डर एटकिन लुओ फेंग के फैमिली के साथ ऐसा बिहेव करेगा। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं और फाइनली अब लुओ फेंग का फर्स्ट नर्चरिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है। गोल्डन बीस के इंटरनल वर्ल्ड में गोल्डन एक फ्लोट कर रहा था। अब गाइस आगे की स्टोरी सुनकर आपको भी काफी ज्यादा हंसी आएगी क्योंकि यार इस सीन में लॉजिक ही नहीं है। गोल्डन बीस के इंटरनल वर्ल्ड में हम देखते हैं गोल्डन में एक अभी भी फ्लोट कर रहा था और अचानक ही उसमें क्रेक आने लगती है। थोड़ी देर बाद फाइनली उस गोल्डन एग से लुओ फेंग की न्यू बॉडी बाहर आती है। ये बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। ये दूर से ही डरावना दिखता है। अब वो बॉडी इसे अपने इंटरनल वर्ल्ड समझ रहा था पर तभी अचानक ही गोल्डन बीस की बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और लुओ फेंग ओशन के नीचे आ जाता है। अब लुओ फेंग की कॉन्शियसनेस पूरी तरह से अपने न्यू बॉडी में चली जाती है। लुओ फेंग कहता है फाइनली अब मैं अपने न्यू बॉडी में आ गया। तभी उसे फील होता है कि उसके बॉडी के अंदर एक कोर है जो कि पहले जैसा रोटेट कर रहा था पर इससे गोल्डन लाइट निकल रही थी। साथ ही ये कोर पहले से काफी ज्यादा छोटा था क्योंकि जब ये कोर गोल्डन बीस के बॉडी में थी तब इसका डायमीटर 180 मीटर था लेकिन जब ये लुओ फेंग के बॉडी में आया तो अब इसका डायमीटर सिर्फ 20 मीटर ही है क्योंकि ये फिजिकल बॉडी पे डिपेंड करता है। आगे लुओ फेंग का इंटरनल वर्ल्ड गोल्डन बीस के मेटल फोग से भर जाता है और उस फोग से 3 मिनी प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं जिससे लुओ फेंग का बॉडी स्टार ट्रेवलर लेवल 3 में पहुंच जाता है। साथ ही वो काफी तेजी से यूनिवर्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था और उस एनर्जी से अपने कोर को रिफाइन करता है और पूरे आधे घंटे तक लुओ फेंग के इंटरनल वर्ल्ड में ऐसे ही स्पिरिट एनर्जी से और भी कई सारे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। अब लुओ फेंग का बॉडी पहले जैसा हो गया था। एक रेड प्लैनेट को बाकी 5 प्लैनेट्स उसे ऑर्बिट कर रहे थे। बबाता बताती है लुओ फेंग तुम्हारा बॉडी स्टार ट्रेवल लेवल 6 पे है लेकिन तुम दूसरे वॉरियर से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि तुम सबसे हाई ब्लड लाइन गोल्डन बीस से फॉर्म हुए हो। इसकी खास बात है कि तुम अभी स्टार ट्रेवल लेवल 6 पे हो पर तुम आसानी से स्टार ट्रेवलर लेवल 7 को डिफीट कर सकते हो। लुओ फेंग अपने बॉडी में आकर काफी खुश था। आगे क्विक सिल्वर गार्ड लुओ फेंग को स्टोरेज रिंग देता है और क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन इतने दिनों में श्रिंक होकर छोटा हो गया था क्योंकि इतने दिनों से उसे कोई भी फीड करने वाला नहीं था। अब लुओ फेंग को सारी चीजें मिल चुकी थी, क्विक सिल्वर गार्ड, क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन, और अब लुओ फेंग काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है अब मुझे पहले जैसा फील हो रहा है पर अब लुओ फेंग का बॉडी बिल्कुल ही गोल्डन बीस जैसा बिहेव करता है। जो गोल्डन बीस की वीकनेस थी अब वो सारी वीकनेस लुओ फेंग के बॉडी में है जैसे कि अपने कोर एनर्जी को मेंटेन करना। और मजे की बात अब अगर लुओ फेंग का बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो वो बिल्कुल गोल्डन बीस जैसा दोबारा अपने बॉडी को रीग्रो कर सकता है। दूसरी तरफ बबाता अभी भी लुओ फेंग से नाराज थी क्योंकि वो लुओ फेंग को दूसरे रेसेस की चॉइस दी थी और लुओ फेंग ह्यूमन रेस को चूज किया था जबकि ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन स्पीड बहुत ही स्लो है लेकिन अब लुओ फेंग का इवोल्यूशन स्पीड भी बिल्कुल गोल्डन बीस जैसा हो गया है। आगे लुओ फेंग अपने सोरिंग सेटल से ओशन से बाहर आता है और इतने दिनों बाद वो अर्थ को देखकर काफी खुश होता है। बबाता उसे बताती है जब से गोल्डन बीस्ट मरा है अर्थ के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट्स बंद हो चुके हैं, इवन की वॉरगुड पैलेस भी बंद हो गया है और फिफ्थ एल्डर एटकिन अभी सबसे पावरफुल वॉरियर है। लुओ फेंग समझ जाता है कि ये 4 एलायंसी हैं, साथ ही इनके साथ यानाए और इंडिया से सागो नेहरू हैं। ये तीनों मिलकर अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमेशा लोगों को बुली, ब्लैकमेल और मर्डर करते हैं। ये तीनों मिलकर थंडर डोजो HR एलायंस को रन करते हैं, इसी वजह से दूसरे कंट्रीज भी इन्हें ऑफेंड नहीं करती है। एटकिन और यानाए सबसे पावरफुल फाइटर हैं जबकि सागो नेहरू एक जीनियस स्पिरिट रीडर है। लुओ फेंग पूछता है क्या ये तीनों 8 हीरोज जो कि गोल्डन बीस को किल करने के लिए सेक्रीफाइस हो गए उनके फैमिली को परेशान करता है। लुओ फेंग कभी भी उन 8 हीरोज के सेक्रीफाइस को भूल नहीं सकता था, वो उन सबका काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। बगाता बताती है नहीं, उनके फैमिली को कोई भी परेशान करने की कोशिश नहीं करता है पर मोहनडेसन के फैमिली के साथ काफी बुरा हुआ। मीडिया के अकॉर्डिंग उनमें से एक मेंबर कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है इतने सारे वॉरियर खुद को सेक्रीफाइस कर दिए ताकि अर्थ पे शांति बना रहे पर अर्थ पे तो हमेशा एक नई बुराई का सामना करना पड़ता है। एटकिन, यानाए और सागो नेहरू तुम तीनों मुझसे नहीं बचोगे। जब लुओ फेंग स्टार ट्रेवलर लेवल 3 पे था तब वो एक ग्रैंड एम्परर को किल करके सारी वॉरियर को सरपास कर लिया था, इवन की लुओ फेंग मास्टर होंग और लीसिन जैसा पावरफुल वॉरियर था। पर अब तो लुओ फेंग स्टार ट्रेवलर लेवल 6 पे है जो की पहले से बहुत ही ज्यादा
पावरफुल है और साथ ही ये लुओफेंग का अपग्रेड वर्जन है। ये उन तीनों को चीटी जैसा मसल देगा। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं पेरिस हेडक्वार्टर सिटी में। यान है अपने विला में ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। वो अपना लाइफ बिल्कुल ही किसी इम्प्रेस जैसा एंजॉय कर रहा था। तभी लुओफेंग उसके विला में एंटर करता है और अब लुओफेंग का स्पीड देखने लायक था। वो बहुत ही फास्ट उसके पीछे से गुजरता है। यान है को महसूस होता है कि कोई तो उसके पीछे से गया है, पर वो सोच में पड़ गया था कि अर्थ पे कोई बंदा इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। उसे खुद अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और अब यान है काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लग रहा था कि कहीं वो कोई भूत तो नहीं देख लिया है। तभी अचानक ही लुओफेंग उसके सामने आता है। यान है लुओफेंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने लुओफेंग खड़ा है। लुओफेंग तो पहले ही मर चुका है, फिर ये कौन है? यान है डर से कहता है, नहीं तुम लुओफेंग नहीं हो। लुओफेंग कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर लिया है। फिर लुओफेंग बस एक ही अटैक में उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइनली वो यान है को किल कर देता है। थोड़ी देर बाद यान है के गार्ड उसे बालकनी से नीचे बुलाने आए थे। तभी वो देखते हैं मास्टर तो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मास्टर यान है का चेकअप करके गए थे और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मास्टर यान है तो बहुत ही ज्यादा हेल्थी थे। तो फिर मास्टर यान है इतना जल्दी कैसे मर सकते हैं? साथ ही ये स्टार ट्रेवलर वॉरियर है। इनका लाइफ स्पेन तो 1000 ईयर से भी ज्यादा होता है और कुछ ही पल में यान है फैमिली के सारे हार्ट स्पेशलिस्ट यान है के बॉडी को चेक करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वो सब बड़े बड़े मशीन से चेकअप करते हैं, पर हर बार रिपोर्ट में यान है का बॉडी बिल्कुल ही हेल्दी था। उन्हें इसकी मौत की वजह पता नहीं चल रहा था, क्योंकि लुओफेंग यान है के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इनके पास सोल को डिटेक्ट करने की कोई मशीन नहीं था। सीन शिफ्ट होती है नॉर्थ अमेरिका वॉशिंगटन हेडक्वार्टर सिटी में। एटकिन अपनी लग्जरी कार से कहीं जा रहा था और फिलहाल ये दुनिया की नजर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। साथ ही ये एचआर एलायंस के चेयरमैन इसाडोनो को रिप्लेस करके खुद चेयरमैन बन चुका है। इसी वजह से 9 ग्रेट कंट्रीज भी इससे फाइट करने से डरती है। लेकिन जब गोल्डन बीच तबाही मचा रहा था तब ये फिफ्थ पिलर थे और उस टाइम ये बहुत ही सीधा और बहुत ही कम रिएक्ट करने वाले थे। लेकिन जब से ये अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बने हैं तब से पूरी दुनिया इसके असली रूप के बारे में जानती है कि ये कितना बुरा इंसान है। आगे वो अपने कार से कहीं जा रहा था तभी उसे कॉल आता है और वो बंदा बताता है कि 15 मिनट पहले मिस्टर यान है अपने बालकनी में मारे गए। ये सुनकर एटकिन काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है, यान है कैसे मरा? अर्थ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि यान है को इतने आसानी से किल कर दे, आखिर ये सब कैसे हुआ? वो बंदा कहता है, हमारे पास कोई क्लू नहीं है, इवन कि मिस्टर यान है के फैमिली को भी नहीं पता कि यान है के साथ ऐसा कब हुआ। और हैरानी की बात, उसके बॉडी में किसी तरह का डैमेज नहीं है। ये सुनकर एटकिन कॉल कट कर देता है और काफी हैरान होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये जरूर कोई स्प्रिट रीडर सोल अटैक करके यान है के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अर्थ पे तो सिर्फ एक ही स्प्रिट रीडर है और वो है सागो नेहरू, जो कि स्टार ट्रेवलर लेवल 1 का स्प्रिट रीडर है और इस लेवल से वो कभी भी यान है को किल नहीं कर सकता। तो फिर ये क्लियर हो गया कि सागो नेहरू यान है को किल नहीं किया है, फिर उसे किसने किल किया है? तभी उसे एल्डर ये साइट और लुओफेंग की याद आती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पावरफुल स्प्रिट रीडर थे। पर वो दोनों तो पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि इस दिन पूरे वर्ल्ड वाइड में लाइव ब्रॉडकास्ट हुई थी जब सारे वॉरियर गोल्डन बीस को किल करने के लिए सेक्रीफाइस हो गए और स्क्रीन पे तो ये साइट और लुओफेंग का भी लाइफ फोर्स बिल्कुल ही वैनिश हो गया था, जिसका मतलब है कि वो मर चुके हैं। तभी उसे याद आता है कि मास्टर होंग और मास्टर लीसन का भी लाइफ फोर्स बिल्कुल वैनिश हो गया था, पर वो दोनों नहीं मरे हैं, वो बस डीप कोमा में हैं। और हैरानी के बाद सारे वॉरियर का डेड बॉडी मिल गया, पर अभी तक लुओफेंग का डेड बॉडी नहीं मिला। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, शायद लुओफेंग भी मास्टर होंग और लीसन जैसा जिंदा हो और वो वापस आ चुका है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, क्योंकि लुओफेंग पहले भी बहुत पावरफुल था और अगर उसे पता चल गया कि सागो नेहरू और एटकिन उसके घर से मुया क्रिस्टल चोरी किए थे तब वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचकर एटकिन बहुत ही परेशान होता है। बस लुओफेंग का नाम से ही उसका हालत खराब हो गया था। वो फौरन ही सागो नेहरू को कॉल करता है और बताता है कि लुओफेंग अभी भी जिंदा है और उसी ने यान है को किल किया है, बेहतर होगा कि तुम अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर सिटी। यहाँ सागो नेहरू फैमिली पॉलिटिकल वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। इवन की इस फैमिली के पास एक एंशिएंट पैलेस है और बचपन से ही सागो नेहरू को स्प्रिट रीडर बनने का शौक था, इसलिए उसके पैलेस में काफी सारे विजिटर्स उससे मिलने आते थे और अब ये दुनिया की नजर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्प्रिट रीडर है। इवन की पूरी दुनिया इसे सेकेंड लुओफेंग के नाम से जानती है, क्योंकि ये लुओफेंग जैसा ही काफी यंग एज में स्प्रिट रीडर बन गया। थोड़ी देर बाद उसके पैलेस में कुछ बंदे आते हैं जो कि सागो नेहरू का डिसाइपल बनना चाहते थे और इस ग्रुप में लुओफेंग भी शामिल था। पर मजे की बात, बवाता अपनी टेक्नोलॉजी से लुओफेंग को इनविजिबल कर देती है और कोई भी लुओफेंग को नहीं देख पा रहा था। इवन के उसे
कोई महसूस भी नहीं कर पा रहा था। तभी उस पैलेस का गार्ड कहता है, सागो नेहरू अभी मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद मैं तुम सबको अंदर जाने दूंगा। लुओ फेंग स्पिट एनर्जी से सागो नेहरू को महसूस कर लेता है और कहता है, ये बंदा तो बस शॉर्ट ट्रेवलर लेवल 1 पे है, मैं तो इसे 32 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो सारे बंदे सागो नेहरू से मिलते हैं। सागो नेहरू ने बताता है कि वो फिलहाल अर्थ का नंबर 1 स्पिरिट लीडर है, इवन कि उसके पास काफी सारे इलाइट्स पावर है और एल्डर एटकिन तो उसके भाई जैसा है, साथ ही पूरी HR अलायंस उसके अंडर में है और पूरी दुनिया उसे सेकेंड लुओ फेंग के नाम से जानती है। वो घमंड से कहता है, बेशक मैं ही अगला लुओ फेंग हूँ और एक दिन मैं मास्टर होंग और ली सिन को भी सरपास कर लूंगा। तभी उसे एटकिन की बात याद आती है कि लुओ फेंग वापस आ चुका है और उसी ने यानहाई को किल किया है, तुम संभल कर रहना। ये सब याद करके सागो नेहरू काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वो देखता है उसके डोर के पीछे कोई बंदा खड़ा है और उस बंदे का अपीयरेंस से सागो नेहरू का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था और चारों तरफ से एटकिन की आवाज गूंज रही थी। अब वो वापस आ चुका है। डर से सागो नेहरू का हालत काफी बुरा हो गया था। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। अब आगे देखते हैं लुओ फेंग सागो नेहरू को कैसे किल करता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।